हाय, आई एम अनन्या। वेलकम टू माय ट्रेन जर्नी ब्लॉग। ये जर्नी होने वाला है लॉन्ग, साथ में इमोशन, रोमांस एंड रोमांचक से भरपूर। सुबह के 6 बज रहा है और हम लोग रेडी हो चुके हैं हमारे ट्रैवल के लिए। ऊपर में दे देना। ना पड़े अब। तुमने चार्जर ले लिया? यस, चार्जर ले लिया। मेरे बैग में? यस। নানি স্বাস্থ্য ভালো। বাই বাই। হ্যাঁ, আবার আসবো। দিদিমা বাড়ি আসছি। বাই বাই, আবার আসবো। বৌদি আসি, টাটা। বাবা, আমার বেরুত যাচ্ছি, বাড়ি যাচ্ছি বাবা। সানু আগে মা দুঃখ হচ্ছে না বলো? সত্যি খুব দুঃখ হচ্ছে গো। বাই বাই গ্রামের বাড়ি, আবার আসবো। বাড়ি যাচ্ছি, বাই বাই, আবার আসবো, আবার আসবো মামি, আবার আসবো। হ্যাঁ, আসবো আসবো। ছোটবেলার স্কুল, কত খেলাধুলা করেছি মাঠটাতে। इमोशन सीन खत्म हो चुका है और हमारी जर्नी शुरू हो चुकी है। जर्नी का पहला पड़ाव है बोलपुर से हावड़ा पहुंचना। हमारे टिकट बुक हुआ है हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस में, जो वाया रामपुर हाट होकर आता है। ट्रेन नंबर है 13012, मालदा टाउन से छूटता है और ये शांतिनिकेतन स्टेशन में पहुंचता है मॉर्निंग की 8:30 को। টেনটেনি কোথায় যাচ্ছি? হ্যাঁ, মারাঠি বন গিয়ে अच्छा हो गया, चावल लगा दिया। नाम ही सही का आदत है। नामो नीचे, नामो नीचे, नाम नीचे। Yeah.
ये है ट्रेन की बॉगी, एसी बॉगी स्पेशली, और इसमें सिटिंग अरेंजमेंट इस तरह है, इसमें स्लीपर नहीं है, स्लीपर कोच नहीं है, और एसी होने के कारण अंदर में वातावरण बहुत कूल है, और सिटिंग अरेंजमेंट में एक साइड में दो इंसान और अपोजिट साइड में तीन इंसान बैठ सकते हैं, और बाहर का दृश्य अपरूप है। इस तरह से दृश्य को देखते देखते हम हावड़ा तक पहुँच जाएंगे। ट्रेन के बारे में लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन, इस ट्रेन का नंबर है 13012। ये है मालदा से डिपार्ट करता है 4:30 को, हावड़ा पहुंचता है 11:30 को, डिस्टेंस कवर करता है 343 किलोमीटर, इसके एवरेज स्पीड है 49 किलोमीटर पर आवर। वाओ, पी पाएंगे क्या? সে তাই ডুবলে পরে রতন পাবি, ভাসলে পরে পাবি না রে পাবি না, দিল দরি আর মাঝে রে ভাই। আছে মজার কারখানা ভাই, আছে মজার কারখানা, দিল দরি আর মাঝে রে ভাই। अंकल को दे दिया हमने बैग, अंकल को दे दिया है बैग। ये है हमारे ट्रेन गीतांजलि एक्सप्रेस, और इसमें ही हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं हावड़ा टू मुंबई। लेट्स स्टार्ट।
नाखून दंडनी का नाखून किसके नाके दंडनी का किसके दांत है तुम्हारा किसका है किसका कत्ता है कत्ता है दंडनी का कत्ता। रात का 2 बज रहा है और ये है ट्रेन के अंदर का व्यू बदृश्य। सब लोगों ने सफेद चादर ओढ़े हुए सोए हैं और थोड़ी देर के अंदर में ही रायपुर जंक्शन आने वाला है। माँ भालो करे आज भी ठीक अच्छे तुम घूमिए चो। सो ये है रायपुर जंक्शन और मेरे माँ यहाँ पे उतर चुकी है क्योंकि मेरे बहन यहाँ पे रहती है और मम्मी और 2-3 दिन रायपुर में मेरे बहन के साथ टाइम स्पेंड करने वाली है और माँ को इस तरह से जाते हुए मैं बहुत भावुक हो चुकी हूँ। लंच के वक्त हो चुका है और हम खा रहे घर के खाना पूरी एंड आलू की सब्जी जो मेरे बहन ने भेजी है और थैंक्स टू माय सिस्टर क्योंकि इतना अच्छे स्वादिष्ट खाना मैं खा रही हूँ क्योंकि कल हमने पूरे दिन भर में खाना खाई नहीं थे अच्छी वाली। चाय गरम चाय अभी है 10:00 और 3 घंटा ये ट्रेन लेट चल रहा है। जहाँ पे 6:00 पहुँचना था नागपुर वहाँ पे वो 10:00 पहुँचा है और अभी नागपुर का वेदर बहुत ही ख़राब है। नागपुर में बारिश हो रही है जम के बारिश हो रही है। इस ट्रेन की खास बात मैं ये देख रही हूँ कि इस ट्रेन में टाइम पे इसको साफ किया जा रहा है जिसमें से पोछा है और आपका झाड़ू भी आ गया है। जैसे पहले तो इसमें गंदगी जितने भी है वो सब झाड़ू से बाहर निकाला जा रहा है और बाद में लिक्विड से इसको अच्छी तरह से रब करके पोछा जा रहा है। इवन बॉगी के साथ साथ बाथरूम को भी बहुत अच्छी तरह से सफाई किया गया है। तो बैठे बैठे ना कमर दर्द हो रहा है। हाँ सर 32-36 घंटा ट्रेन में बहुत ही कठिन है। Thank you.
देखा अंकल कितना मेहनत करते हैं, देखा कितने सारा गाड़ी। ओ शिट, पापा चले गए। पापा हमारे उबर माय गॉड, ये देखो कौन है, एक टॉमी है। जर्नी की शुरुआत में मैं बताई थी कि हमारी ये जर्नी बहुत ही रोमांचक रोमानी होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम सही में थक चुके हैं, बोर हो गए हैं, और ये बहुत ही लेंदी ट्रेन जर्नी था मेरे लाइफ के। सो आई होप मेरे साथ साथ आप लोग भी थक गए, बोर हो गए हैं। तो यहाँ पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नया ब्लॉग में। तब तक बाय बाय।